आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ के लिए जो है काफ़ी डेवलप सिटीज नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पे आ करके देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। अगर सारे सुख सुविधाएं अगर आप मान रहे हैं कि अगर बात करें तो बहुत सुविधाएं से जो है यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो है यहाँ के आप बोल सकते हैं कि बारिश की वजह ज़्यादा होने की वजह से रास्ते भी कभी कभार जो है बाढ़ में बहुत ये हो जाता है। कुछ अभी जो बाढ़ आया था तो आसाम में बहुत सारे तबाही करके गया था, कई लोगों का घर उजाड़ करके चला गया था। ये जो अगर आप बाढ़ की बात करेंगे फ्लड्स से भी आते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है बड़े ही अच्छे स्वभाव के होते हुए यहाँ पर मिलजुल करके एक दूसरे को हेल्प कर नेचर से यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं इस तरह से लोग जो है यहाँ पर दूर दूर तक जो है घरों घर का नामो निशान है, ये देख सकते हैं। बीच बीच जंगलों में आप देखेंगे कि एक दो घर दिखाई देगी आप, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही है। देखिए यहाँ पे लेडीज किस तरह से जो है साइकिल चला रही है। मुंबई के लोग रहते हैं वो ओकेजनली साड़ी पहनते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रेडिशन है असम का मेखला चादर, और मेखला चादर अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अगर हम अगर लहंगा चोली जिस तरह से पहनते हैं उसी टाइप का एक उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं, और उसी ड्रेसेस को पहन के वो बाइक भी चला सकते हैं, साइकिल्स भी लोग चलाते हैं। तो अपने आप में यहाँ का अगर आप जीवन की अगर बात करेंगे तो टोटली डिफरेंट है मेट्रोपॉलिटन सिटी से, शांत बिल्कुल ही शांत है। और स्टोरी की बात तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे शांति मिल रही होगी। ये देखिए देखिए यहाँ पे आपको जो है पुलिस बैठा हुआ है, ठीक है।
ये वेलकम टू अरुणाचल लिखा हुआ है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए ये चेक पोस्ट है, देखिए अब यहाँ पर थैंक यू है और अब हम जो है पासीघाट की तरफ आ गए। यहाँ पे आपको ओके दिखेगा, ये देखिए हम अभी पुलिस चेक पोस्ट पे आ गए हैं, ये देखिए ये चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश चेक पोस्ट है। एंट्री करके आता हूँ, पोस्ट है यहीं पे जो है, आपको जो है यहाँ पे चेक पोस्ट ये किया जाता है, पासेस चेकिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पे परमिशंस नहीं है तो विदाउट परमिशंस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए ये चेक पोस्ट है, आप देख सकते हैं चेक पोस्ट से बाहर निकले हैं, पुलिस ने हमें इंक्वायरी की, क्योंकि वहाँ पे जो है हम शूट नहीं कर सकते थे, हमें प्रोटोकॉल को देखना पड़ता है, तो हम जस्ट बस 10 से 15 से 20 मिनट में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से, अगर बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां जा रही है, आर्मी की गाड़ी कितनी जा रही है, क्योंकि यहाँ चाइना का बॉर्डर होने की वजह से, और जिस तरह से चाइना ने हर समय जो है इंडिया के पार्ट्स को जो है, अरुणाचल के बहुत सारे पार्ट्स को जो है कैप्चर करने का हमेशा सोचते रहता है, और उसके लिए कुछ ना कुछ अपना खुराफाती करते रहता है, इस वजह से जो है अरुणाचल गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि अपने बाउंड्रीज को जो है इधर से प्रोटेक्ट करें। भारत सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, आप ये कह सकते हैं कि जितनी इक्विपमेंट चाहिए वेल इक्विपमेंट जो है इस बॉर्डर पर रखा जाता है, ताकि चाइना जो है अगर कुछ घुसपैठिए की काम करता है तो तुरंत जो है उसको पकड़ा जा सके। और ये आप देख सकते हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे आर्मी की गाड़ी आपको हमेशा आते जाते दिख जाएंगे, क्योंकि सामान लोडिंग अनलोडिंग करना, वहाँ तक पहुँचाना, एयरपोर्ट से जो है सामान लेकर के आते हेलीकॉप्टर से, तो उसके बाद जो है इस एयरपोर्ट से लेने के बाद उसको जगह तक पहुँचाना, ये सारा जो है बड़ी बड़ी जिस तरह से ट्रकेस होती है जो आर्मी के, जो रूरल एरिया यानी पहाड़ी एरिया में भी जा सकती है, वैसे एरियाज के लिए ट्रकेस रहती है स्पेशली, और वही ट्रक जो है यहाँ पे चलती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कभी और कभी बहुत सारे जो है लैंडस्लाइड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं बारिश के दिनों में, तो इन सब जगहों पे कैसे जो है जाया जा सके ये यहाँ के लोगों को पता रहता है।